आगरा जा रही थी तो फ्लाइट में पढ़ रही थी, फर्स्ट दो तीन स्टोरीज पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट एंड इट्स वेरी रीडेबल, इमीडिएटली कोई भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो क्या कभी बहुत थोड़ा पढ़ने के बाद बोर हो जाते हैं, शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प, सो एंड टू द पॉइंट एंड देन ऑल द स्टोरीज, एवरीथिंग इज रियली वंडरफुल, आई लाइक्ड फर्स्ट टू थ्री स्टोरीज आई रेड, आगे भी मैं जरूर पढ़ूंगी, पूरा नारी शक्ति के ऊपर लिखा है एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू इंस्पायर द वुमेन, नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जरूरी है. आजकल वो जो कलर्स में भी एक आता है कोड रेड, वेरी नाइस, आई मीन इट्स अ रियल थिंग व्हाट्स हैपनिंग द शो. और नारी शक्ति की बात करते हैं तो मैंने तो बहुत सारे डांस बैलेट्स किए हैं, जैसा अभी नीता हमेशा मेरा प्रोग्राम का एंकर करती हैं, बहुत सुंदर बात करती हैं, इतनी अच्छी बड़ा चढ़ा के बोल देती हैं कि मैं परेशान. आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम संगीता आल्सो फॉर सम ऑफ द राइट अप, समटाइम्स आई हैव टू गिव अ स्पीच, ले लेती हूँ उसके बाद मैं अपनी तरफ से बोल देती हूँ उसका कुछ जिस्ट लेकर, इट्स वेरी नाइस द वे शी राइट्स. जितने भी डांस बैलेट्स की हैं वो सब मीरा, दुर्गा, ये आपने सुना, ये सब द्रौपदी, दैट इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट बैले, जिसमें बहुत सुंदर हमारे रविंद्र जैन दादा ने लिखा है. और उसके ऊपर मैं, मेरी दोनों बेटियां, तो आई एम वेरी प्राउड टू हैव टू डॉटर्स केशा एंड आहना, जिनके साथ मिलकर एक मुख्य स्टेज पर एक कलाकार होने के नाते मैंने मेरे बच्चों बच्चियों को भी डांस सिखाया, क्लासिकल डांस, दोनों ओडिसी डांस सीखा उन्होंने, और तीनों मिलकर हमने बहुत सारे कार्यक्रम किया है जिसका शी नोज इट, शी हैज कंपेयर्ड द होल शोज. उसमें एक आइटम है जिस इज कॉल्ड नारी, क्योंकि जब हम आजकल यही ज्यादा सुनते हैं भ्रूण, तो मैंने हमारे रविंद्र जैन दादा जो हमारे नृत्य डांस बैले में लिखते हैं उनसे कहा, तो उन्होंने, वो तो बहुत सुंदर लिखते हैं आप सब जानते हैं, तो उसका उनका लिखा हुआ कुछ है, तो मैं नारी हूं, सृष्टि का अनुपम रूप, मैं परंपराओं की जननी भी हूं तथा उनका निर्वाह करने वाली भी, संसार मुझ पर मोहित है तो इतिहास गर्वित, मुझ में जीवित है वो सब नारियां जो अपने आदर्श चरित्र यहां स्थापित करने करके गई हैं, मैं भी मुझी पर है, मैं नारी हूं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः, जहां नारी के सम्मान करते हैं भगवान भी खुश होते हैं. मैं हर जगह, मैं मथुरा में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वहां पर विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी करना पड़ता है, लेकिन अभी इस वक्त इतना नहीं है, लेकिन देन आगे इसमें है कि जब भ्रूण हत्या होती है, आजकल पहले जमाने में मेरे ख्याल में कभी नहीं हुआ था, नारी के हमेशा सम्मान करते रहे, आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पिछले आई थिंक द लास्ट 30-40 ईयर्स गलत काम कर रही है, जो जोर लगाते हैं बहुओं पे, तो दिस इज what वी सी ऑन टेलीविजन एंड इट्स एक्चुअली हैपनिंग. तो इस सभ्य समाज में अब तक भी कन्याओं की हत्या होती, जिसकी हत्या की क्या पता आगे चलकर वो क्या होती है, इन बच्चियां क्या बोलेंगी अपने माँ बाप से, हम उन मात पिता के हम है ऋणी, दुनिया में हमें ले आए हैं, विद्या संस्कृति संस्कारों के गहने हमको पहनाए हैं, ज्ञान विज्ञान अर्थशास्त्र राजनीति सामाजिक व्यवस्था ग्रह नक्षत्रों के रहस्य हर क्षेत्र में हम आगे हैं, यदि देखना चाहते हो नारी के उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को. ये दिस इज
what is everybody loves it. I think this is very inspiring for women empowerment. इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. मैं मेरे क्षेत्र में और हर जगह जहाँ पर मैं भाषण देना पड़ता है तो काफी कुछ स्टडी किया है कि विमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या होना चाहिए. लेकिन बाद में एक और सेशन रखेंगे हम सब महिलाओं के साथ मिलकर, जरूर बात करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. कि राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पीपल अंतरी, और उस गांव में जब भी कोई बेटी पैदा होती है तब वहां के लोग उसका स्वागत, उसके स्वागत में 101 पेड़ लगाते हैं. वाँ, वाँ, वाँ। और बकायदा एफिडेविट बनाया जाता है कि जब तक वो शादीशुदा शादी योग्य नहीं होती तब तक उसे शिक्षित करते रहेंगे. और यदि इस तरह का सम्मान हर लड़की को मिले तो आज मुझे झूले आसमान लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का को आंदोलित किया जाएगा. बस इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगी. और ये मेरे प्रयास को, ये मेरे नारी सशक्तिकरण के प्रयास को हेमा जी और सभी मंचासीन नारियों, नारी शक्ति ने पहचाना और मुझे आशीर्वाद दिया. इसके लिए मैं बहुत 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 आभार मानती हूँ. धन्यवाद. कंपोजर, सिंगर, राइटर, लिरिसिस्ट. कमर्शियल काम के अलावा मैं हमेशा सोशल इश्यूज और सोशल अवेयरनेस रिलेटेड मुद्दों को लेकर मेरी कोशिश ये रहती है कि अपने संगीत, अपने गाने, अपने म्यूजिक के माध्यम से कुछ ऐसी बात लोगों तक पहुंचाऊं. क्योंकि मैं जानता हूं कि एक अच्छा संगीत, एक अच्छा गीत, अच्छी कला का प्रदर्शन लोगों के दिलों पे असर. द प्राउड फादर ऑफ अ डॉटर. जैसे कि हर फैमिली में होता है सर पूछना है. बस इतना कहूँगा कि मैं नेचर से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ. आई एम क्वाइट, आई लिव इन टोटल सरेंडर टू द यूनिवर्स इन द नेचर. एंड जो वुमन है, जो एक स्त्री है, जो नारी है, शी इज नेचर पर्सोनिफाइड. शी इज द एंटायर यूनिवर्स इन हर ओन सेल्फ. इसलिए जब हम धरती, अर्थ, वी से मदर अर्थ, धरती माँ, वी नेवर से फादर अर्थ, बिकॉज धरती मदर आर नेचर इज अ सस्टेनर. शी इज द प्रोवाइडर. सो वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द नेचर. सो इन अ वे दैट्स व्हाट आई एम. एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर इन द प्रेजेंस ऑफ सच सच ग्रेट पीपल. एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. I can do better. Oh, I have not yet done, the satisfactory work. It is not. So you keep on feeling like that. So I have Julia Asman. वो हो सकता है. Once you are retired from films, then people start appreciating you. Oh, you are wonderful. Then you feel maybe I have. But ma'am, your bringing to your daughters was so outstanding. For now, they are also so successful. Yeah. So tell us something about that journey also, because it's all about based on mothers and girls. Yeah, as a mother, it is another journey. Because as an artist, it's a separate. Then once you get married, then you get the children, then bringing them up, and then bringing them into your own, profession. Like, I'm a dancer, so I love my dancing. So I made my kids learn. So they learned, and then they were also really good. So we all used to perform a lot of shows together. Now since they are married, one is going to have a baby, so I'm going to become a grandmother soon. So maybe this journey, I'm not going to leave it. I'm going to continue it maybe afterwards. After the girls get babies, then again I will continue. I won't stop. Ma'am, one thing that I would like to clarify, from since morning there are people saying that Dharmendra ji is not well. He has been bridge. Can you ask? He is just admitted in the hospital for just a medical checkup. That's it. But the shoulder has been injured, ma'am. Shoulder has got a little problem, so they are just checking up. Everything fit and fine, ma'am. Advice. Anything else would you like to share with the viewers? No, nothing. He's very much all right. I love him, and I know the entire country is so fond of him. And your best wishes are always with him. And he also reciprocates that. I told him that people are asking me. He says, no, no, I'm absolutely fine. You tell him. मैडम बताना चाहिए कि आज एक बुक का लॉन्चिंग हो गया है, क्योंकि वो जो महिला के लिए स्पेशल है, तो क्या बताना चाहिए? महिला सशक्तिकरण के ऊपर है,
बहुत सुंदर नॉवल, छोटे छोटे कहानियाँ हैं उसमें, सो जो बहुत पढ़ने लायक है क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज है, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू गो थ्रू सो मेनी वेराइटीज ऑफ स्टोरी. जो संगीता वाजपेयी ने इतना अच्छा लिखा है, छूलो आसमान महिला सशक्तिकरण के ऊपर है, वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसा किताबें काफ़ी आना भी चाहिए, लिखना चाहिए ताकि इट विल इंस्पायर द यंगर जनरेशन, युवतियों के लिए अच्छा है. मैडम, पुरुष और महिलाएं दोनों आपको बराबर प्यार करती हैं, क्या बात है? That is a wonderful question. That is, it's nice. I feel I'm blessed. That's it. What else I can say? मैडम, देखा जाएगा तो कहाँ पे तो महिला का जो अभी भी जो मोदी सरकार रह रहे हैं या इसके पहले भी बेटी बचाओ ये सब जो निकाला जा रहे हैं वो का तो भी कम गिर रहा है क्या? तो भी अभी तक महिला को न्याय मिलता नहीं है ऐसा वो दिख रहा है. अभी देखिए, हमारी सरकार अभी आई है, अभी एक साल हुआ है, कुछ पिछले 60 साल में कुछ देखभाल नहीं किया हमारे नारियों को. नारी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सशक्तिकरण करने का लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स मोदी जी हैज मेड एंड उसका इफेक्ट अभी होगा. एक साल तो अभी हुआ है, अभी आने वाले समय में सब ठीक होगा. तो मैडम, देखा जाए तो भली एक मुसलमान लड़की को घर नहीं मिला है उसकी वजह से एक सवाल उठा है. ये देखिए, छोटे दिमाग वाले कोई लोग होते हैं इसकी वजह से, ऐसा नहीं कि पूरा समाज ऐसा है, ये गलत बात है. मैडम, आप एक मर्यादित महिला है और पतियों अपने पति को बहुत प्यार करती है, हम लोगों को मिला बताइए, एक संदेश दीजिए महिलाओं को कि अपने पतियों को बड़ा सम्मान करना चाहिए. पति का जरूर सम्मान करना चाहिए तो आपको भी सम्मान मिलता है. आई मीन इफ अगर हस्बैंड गिव्स लव एंड यू हैव टू शो लव बैक टू हिम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सुनने में आया था कि धर्म जी की तबीयत खराब थी तो अभी क्या मतलब? उनका मेडिकल चेकअप के लिए गए, उनका शोल्डर में थोड़ा सा कुछ दिनों से पेन था, तो ही हैज जस्ट गॉन टू चेकअप दैट कि व्हाट हैज बीन डन, नथिंग, जस्ट अ मेडिकल. अभी क्या मतलब स्थिति है? ही इज फाइन, ही इज विल बी बैक.